शंतु धर्म का मार्ग सिद्ध ही ओम स्वस्ति न इंद्रम विश्वा स्वस्ति न तुभाव श्रीरा स्वस्ति लक्ष्मी स्वस्ति नमो मैयास पतिदातु ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम काटो जरूरी है उसी उद्देश्य को लेकर जिस तरह से जिम का आपने उद्घाटन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और युवाओं को किस तरह से सजग रहना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति? युवाओं को बहुत ज़रूरी है आज के समय के अंदर जो से ना जितने भी युवा हैं ये ज़्यादातर नशा वगैरह और भागा दौड़ी ये करते हैं, तो ये जो नज़दीक सब चीज़ों की सुविधा गाँवों में मिल रही है इसका भरपूर फायदा उठाएं, यहाँ शरीर भी बनता है, स्वास्थ्य भी बनता है और सब जितने भी नशे हैं उनसे छुटकारा मिलता है। तो यहाँ आकर के ना अपनी मेहनत करें, मेहनत करके साथ साथ पढ़ाई भी करें और अपना कहीं भी नौकरी में अपना ज्वाइन करें तो बहुत ही बहुत फायदा है इस चीज़ का। तो कदम उठाया है प्रवीण जी ने मिलके, समाज के लिए कितना ठीक रहेगा ये? समाज के लिए बहुत ही बहुत बढ़िया, समाज में ऐसा कदम उठाना चाहिए, लोगों को नौजवानों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, आना चाहिए, जिम करना चाहिए जोर से ना, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो एक संत होने के नाते क्या अपील करना चाहोगे आज के युवाओं को? मैं युवाओं से कि भाई जोर से ना जितनी भी ये नशा है इनको छोड़ो, अपनी दिनचर्या अपनाओ, सुबह वक़्त उठो, भागा दौड़ी करो, ऐसी जिम में आओ, कसरत वगैरह करो, अच्छा अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो और अपना जोर से ना नौकरी सर्विस करो, ईमानदारी से जीवन जियो, ईमानदारी सबसे बढ़िया है, लंबा जीवन होता है उसके अंदर। और ये नशा वगैरह और ये सब चीज़ें तो जीवन बहुत थोड़ा कर देती हैं, आदमी 50-60 साल में ख़त्म हो जाता है, तो लंबा जीने के लिए ये सब चीज़ें हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी जितने भी बच्चे आ रहे हैं जिसकी आस्था है तो दिल खोल कर जिम का काम करें और पढ़ाई के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रहे, कोई भी बैलबाजी में ऐसा कोई ध्यान ना देवें। और इनको जो माता पिता हैं उनको मैं ये शिक्षा दूंगा ताकि अपने बच्चों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें, ताकि हमारा बच्चा इधर उधर ना भटके और हमारा बच्चा जो आने वाले समय के लिए पास हो जाए और जीवन सुधार ले अपना। जो आज ये कदम उठाया गया है समाज को लेकर युवाओं को लेकर कितना कारगर साबित? ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और नई जनरेशन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ना तो काम करते हैं ना उठते हैं, आलस होता है, यहाँ पे लोग देखेंगे एक दूसरे को देख देख के यहाँ पे आएंगे और कुछ सीखेंगे और समाज में बहुत अच्छा कदम है ये। ज़िंदगी की किताब आपने पूरी पढ़ी है, युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे आपकी? आज का जो दौर है जिस तरह से युवा नशे की तरफ भटक रहा है उनको किस रास्ते पर? नशे की तरफ ना जाके ऐसी चीज़ों की तरफ आएंगे और हम सबको यही सलाह देंगे कि भाई यहाँ आओ आप और ये सीखो, जिम में सीखेंगे तो कुछ शरीर भी बनेगा, बॉडी भी बनेगी, घर के लिए भी काम करेंगे और सही रहेंगे अच्छी तरीके से, तो उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। जिस तरह से आज के युवाओं की हालात है ऐसा नहीं है सभी युवा उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एक बदलाव की आवश्यकता है, उसी को लेकर आज ये जिम की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आसपास के प्रवासियों को, कितना लाभ मिलता है? सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे इलाके और क्षेत्र की तरफ से हमारे नौजवान साथी नंदू भाई और प्रवीण भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत करी है हमारे क्षेत्र में जिसके लिए पहले हमें कहीं ना कहीं शहर में जाना पड़ता था। और आज जैसा कि सम्मान्य देशराज जी आप जानते हैं इस बात को कि दिनचर्या में इतना बड़ा बदलाव हो गया है कि कार्यशैली और दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को अपने शरीर को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो स्वस्थ जीवन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए
जिस प्रकार से फैमिली पॉइंट की जो स्थापना हमारे क्षेत्र में की गई है, इसके लिए मैं सभी की आप सभी की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आवश्यकता भी थी इस बात की कि आज का नौजवान कहीं ना कहीं आलसी हो रहा है, सोशल मीडिया में इतना व्यस्त हो गया है कि ना तो सुबह की दिनचर्या रही है ना शाम की रही है। तो जब जब भी लोगों को अपने नौकरी से, पैसे से, प्रोफेशन से, जैसा भी जहां समय मिलेगा, निश्चित रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित रूप से समय निकालेगा। युवाओं पर कितना प्रभाव पड़ पाएगा? मैं समझता हूं कि युवा तो समाज देश की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और निश्चित रूप से युवाओं पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और युवाओं में जो संगठन है वो भी बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से युवाओं को इस सुविधा का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में हमें आवश्यकता भी थी और इसके बेहतरीन परिणाम हमारे सामने आएंगे।